All right, दोस्तों, I am very excited to open this box. इस बॉक्स के अंदर दोस्तों जो लैपटॉप है वो शायद दुनिया का सबसे पावरफुल कॉम्पैक्ट लैपटॉप मैं कहूंगा. जी हाँ, परफॉर्मेंस के लिए दिस इज नेक्स्ट लेवल. उतना ही नहीं, बहुत सारी दूसरी भी चीजें हैं. इट इज जस्ट नॉट अ लैपटॉप, इट्स काइंड ऑफ अ टैबलेट एज वेल. आप 360 डिग्री वगैरह इसे खोल पाओगे और बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैंने दूसरे लैपटॉप्स में नहीं देखी हुई है. जी हाँ, इसका आज करने वाले हैं अनबॉक्सिंग. देंगे आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस. लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं. दोस्तों, जब मैं इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन सुन रहा था, आई वॉज लाइक, इस 13 इंच लैपटॉप में इतना सब कुछ. आई मीन सीरियसली, दैट इज वॉट इट इज. लेट्स रिमूव द लैपटॉप फर्स्ट. लुक एट दिस. ओके, इसे खोलेंगे और क्या है बॉक्स के अंदर वो देखते हैं. लेकिन क्विकली दोस्तों, 100 वॉट का ब्रिक है ये. 100 वॉट, सो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. एंड ऑफकोर्स द पावर केबल. वॉट एल्स डू वी हैव? समथिंग एल्स? ओ, और भी कुछ है. ओके, वॉट इज दिस? Alright, documentation. You get some amount of documentation in this. और क्या है? Anything else? इधर कुछ है? Nothing. Alright, let's keep the box aside. अब देखते हैं लैपटॉप के पास. कुछ तो भी मैं भूल गया इसके अंदर. There is something here. There is a stylus, दोस्तों. Yes, stylus भी आता है क्योंकि इसमें टच स्क्रीन है. Yes. And in the box, you get a stylus as well. Nice, good quality stylus. इतना मैं जरूर कहूंगा. Alright, plastic निकाल देते हैं. We remove this as well. वैसे दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो laptop है, इसका नाम है ROG Flow X13. Very, very compact and decently lightweight भी है दोस्तों. जी हाँ दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो ये मैग्नीशियम अलॉय है. जी हाँ, ये फुल फ्रेम आगे और पीछे, वेरी वेरी वेल बिल्ड. और असुस कहता है कि ये ग्रेविटी वेव डिजाइन है. सो या आउटसाइड दोस्तों, डेफिनेटली वेरी वेल बिल्ड. एंड जैसे मैंने कहा, वेट भी ज्यादा नहीं है. शुड बी अबाउट 1.5-1.6 केजीज. लेट्स सी, टेस्ट करते हैं. ओ, इवन लाइटर. 1348 ग्राम्स, मतलब मैं कहूंगा 1.34 केजीस, विच इज रियली रियली लाइट एंड कॉम्पैक्ट. वैसे दोस्तों, इधर आरओजी की क्लियरली ब्रांडिंग दिखती है आपको. पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों आपको फुल HDMI पोर्ट मिलता है. 3.5mm जैक है. एंड दिस इज दोस्तों XG कनेक्टर. जी हाँ, सो ये फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप भी है क्योंकि इधर आप एक्चुअली में eGPU डाल पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे. So yes, external GPU also supported. All right, right hand side पे दोस्तों आपको मिलता है ये USB Type-C port जो latest generation 3.2 है. USB A port भी है जो again 3.2 latest generation है. And you get a power button which doubles up. जी हाँ, fingerprint sensor भी है. So not bad at all. All right, time to open this laptop. Uh-huh. Wow. Look at this. इतना लाइट वेट है दोस्तों, मतलब सीरियसली इट्स लाइक अ टैबलेट इन हैंड, सीरियसली कहूंगा. ऑलराइट, ये जो कीबोर्ड है दोस्तों, वेरी गुड, आई विल से रियली गुड. जो की ट्रैवल डिस्टेंस है वो भी बहुत अच्छा है. यू आर गोइंग टू एंजॉय टाइपिंग ऑन दिस वन. स्क्वेरिश कीज हैं आरओजी के लैपटॉप्स के हमेशा जैसे होते हैं. एंड देन फॉन्ट भी आप कहोगे वो टिपिकल टू आरओजी. दिस लुक्स लाइक अ आरओजी लैपटॉप कीबोर्ड. जी हाँ, और मैं कहूँगा आई एम इम्प्रेस्ड विद इट. डिस्टेंस भी दोस्तों कीज में इट्स देयर, मतलब एकदम ऐसे कॉम्पैक्ट होने की वजह से पास कीज ऐसे नहीं है. गुड डिस्टेंस. वैसे दोस्तों, ऊपर फंक्शन कीज भी है. आरओजी का जो आर्मरी क्रेट होता है उसके लिए डेडिकेटेड बटन है, वॉल्यूम के लिए, अप एंड डाउन के लिए है, म्यूट के लिए. मैं कहूंगा ये जो टच पैड है दोस्तों, दैट डेफिनेटली इज स्लाइटली ऑन द स्मॉलर साइड. ऑलराइट, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, ये यू नो, अगर आपके फिंगर्स थोड़े ऑयली वगैरह हैं, दैट डेफिनेटली शोज अप ऑन दिस. यस. ऑलराइट, बाहर से तो देख लिया दोस्तों, टाइम टू स्टार्ट दिस. यस, बैकलिट कीबोर्ड है दोस्तों. आई जस्ट सॉ दैट बैकलाइट. सो यस, बैकलाइट है, बट इट इज नॉट RGB, प्लेन वाइट. ओह माय गुडनेस, लुक एट दैट स्क्रीन. वाओ,
आई डोंट नो आपको कैमरा में कितना दिख रहा है, बट वेरी वेरी पंची कलर्स, मतलब लिटरली इट लुक्स लाइक अ एमोलेड स्क्रीन टू बी ऑनेस्ट विद। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। एंड मैंने जैसे पहले बताया दोस्तों, परफॉर्मेंस इज अ बिग हाईलाइट ऑन दिस कॉम्पैक्ट लैपटॉप। इसमें राइजन 9 5900HS आता है, जो मैं कहूंगा लेटेस्ट ग्रेटेस्ट है इस पर 5 सीरीज के अंदर, एंड फॉर लैपटॉप्स दिस इज प्रोबेबली द फास्टेस्ट सीपीयू आउट देयर। और दोस्तों इसमें जो GPU है वो है इंटीग्रेटेड एनवीडिया का 1650 GTX, और हाँ आप एक्सटर्नल GPU भी कनेक्ट कर पाओगे 3070 या फिर 3080 भी, सो आई विल से इट इज फ्यूचर प्रूफ। और दोस्तों रैम के बारे में बात करूं तो इनबिल्ट सोल्डर्ड रैम आती है 16GB की, इट कैन गो अप टू 32GB एज वेल। हमारे पास जो वर्जन है दोस्तों ये 16GB का है। और इसमें जो रैम टाइप है दोस्तों वो है LPDDR4X, बट इसका जो क्लॉक स्पीड है वो हाईएस्ट है, जी हाँ 4 to 6 MHz, सो ग्रेट रैम टाइप एंड CPU लाइक आई सेड फास्टेस्ट आउट देयर। और दोस्तों स्टोरेज के मामले में M.2 SSD आती है, देयर आर टू वेरिएंट्स, 512GB भी है एंड 1TB भी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले दोस्तों। वैसे दोस्तों ये 13 इंच का लैपटॉप है, लेकिन 13 इंच के फॉर्म फैक्टर में आपको 13.4 इंच की स्क्रीन मिलती है, एंड द रीजन इज अगर साइड के बेजल्स देखोगे सही में पतले हैं, ऊपर भी बेजल जो है दोस्तों मैं कहूंगा एवरेज साइज की है, बट यस यू हैव दैट वेबकैम इन इट व्हिच इज गुड। आजकल बहुत जरूरत होती है, वर्क फ्रॉम होम का जमाना है, सो यस वेबकैम इज देयर। हां लेकिन चिन, जी हां इट इज स्लाइटली बिगर, बट नीचे लिखा हुआ है ब्रांडिंग है ROG फ्लो। वैसे दोस्तों इसमें दो अलग अलग डिस्प्ले आते हैं, हमारे पास जो है वो है 4K 60Hz, एंड जो दूसरा है वो है FHD, बट इट हैज गॉट 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है, कलर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट सपोर्ट्स 116% sRGB, जी हाँ, सो कलर स्पेस कलर्स वगैरह जो है यू विल गेट क्वाइट एक्यूरेट। इंटरेस्टिंगली दोस्तों ये लैपटॉप है, स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन इसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी आता है। यस, ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। जी हाँ, हमने पिछले इनफैक्ट एक वीक से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, एंड आई टेल यू व्हाट, हमने बहुत सारी गेमिंग भी की। मीडियम सेटिंग्स पे अगर आप गेम्स खेलोगे दोस्तों, कुछ कुछ गेम्स में हमें 100 FPS तक का भी सपोर्ट मिला, बट मीडियम, नॉट हाई सेटिंग्स, मीडियम सेटिंग्स में, एंड आई रियली एंजॉयड इट टू बी ऑनेस्ट विथ यू। एक चीज मैं कह सकता हूँ दोस्तों, कभी कभी ऐसे लगता है जब आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो कि GPU इज नॉट इनफ, बट यस उसके लिए आप एक्सटर्नल GPU डाल पाओगे। सो ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, स्पेशली CPU के बारे में बात करूँ दोस्तों, इट इज दी बेस्ट दैट आई हैव सीन। दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो राइजन 9 है ये 8 Core 16 Threads है, स्पेशली जब आप वीडियो एडिटिंग की जैसे चीजें करते हो तो एक्स्ट्रा थ्रेड्स होने की वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता है, आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। और दोस्तों हमने बेंचमार्क्स भी रन किए, सीने बेंच वगैरह, हर एक पे top 3 top 4 में इसका नंबर आया। सो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा दोस्तों, एब्सोल्युटली इंप्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस, स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल फॉर्म फैक्टर, एंड स्पेशली थर्मल्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। जब आपका लैपटॉप इतना कॉम्पैक्ट है, छोटा होता है, थर्मल्स कभी कभी प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन नॉट विद दिस वन। हमने कंटिन्यूअसली 1.5 घंटे तक इसके ऊपर गेम्स खेले, बट आई टेल यू व्हाट, जो एयर फ्लो वगैरह है दैट इज वेरी वेल डन ऑन दिस वन। ज्यादा गर्म नहीं हुआ लैपटॉप, इनफैक्ट दोस्तों आपको पता है कि इसके अंदर अगर आपके फिंगर्स थोड़े वेट हो या ठंडे हो तो आपको कीबोर्ड से भी एयर जो फ्लो है वो जाता है, ये पता चलता है। सो दे हैव डन वेरी वेल। तो एयर इनटेक वगैरह जो है, जो एयर इनटेक एंड आउटलेट्स हैं दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है दैट रिमेन्स इन चेक। लाइक आई सेड, थर्मल्स रियली गुड। और हाँ दोस्तों, टेंट मोड में तो इट गेट्स इवन कूलर, क्योंकि सभी जगह से एयर जो है अंदर जाती है, बाहर आती है, सो इट्स वेरी नाइस। लेट मी टॉक अबाउट मॉडरेट यूसेज। अगर नॉर्मल आप यू नो मल्टीमीडिया वगैरह देख रहे हो, या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिख रहे हो, थोड़े बहुत फोटोशॉप वगैरह आपने किया, मतलब मॉडरेट यूसेज में 6-7 घंटा आपको बैटरी लाइफ मिलेगी, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो, कंटिन्यूअसली 1.5-2 hours एट मैक्स, बट 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग आता है, जो आधे घंटे में 50% तक बैटरी लेके जाता है, सो दैट अगेन इज अ गुड थिंग। वैसे आपको कह दूं, Asus क्लेम करता है कि कंटिन्यूअसली अगर आपने सिर्फ वीडियो ही देखा इसके ऊपर तो 10 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है। टेस्ट करना होगा कंटिन्यूअसली 10 hours। दोस्तों कनेक्टिविटी के मामले में लेटेस्ट जनरेशन ब्लूटूथ मिलता है आपको, ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई 6 भी मिलता है, सो यस ऑल ग्रेट कनेक्टिविटी। We'll be right back.
दोस्तों बात करते हैं मल्टीमीडिया की। जनरली कॉम्पैक्ट लैपटॉप आप मल्टीमीडिया के लिए नहीं इस्तेमाल करते हो, बट आई टेल यू व्हाट, हमारा जो वेरिएंट है वो 4K स्क्रीन के साथ है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। मतलब कलर्स वगैरह आप देखोगे तो सही में बहुत अच्छे दिखते हैं। ब्राइटनेस मैं कहूंगा एवरेज है, 300 nits का ब्राइटनेस है, तो इंडोर्स आपको बहुत अच्छा दिखेगा। ऑडियो के मामले में बात करूं तो ऑडियो मैं कहूंगा अच्छा है, बट बेस थोड़ा ज्यादा होता इट वुड हैव बीन मच बेटर। तो फाइनली मुझे क्या लगता है इस लैपटॉप के बारे में, दोस्तों दिस इज फॉर प्रोफेशनल्स। जी हाँ, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपको लैपटॉप चाहिए, एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप आपको चाहिए एंड परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। I don't think you will need to look beyond this. This is probably one of the best out there. Aur bonus dosto, yes, it has got a touch screen as a tablet. This can double up as a tablet as well, which I think is a big bonus. Finally, cost. ये सब कुछ तो मिलता है लेकिन कॉस्ट क्या है? आई थिंक कॉस्ट भी डिसेंट है। ये चालू होता है, द बेस वेरिएंट 1,20,000 से चालू होता है। मैं सभी जो अलग अलग वेरिएंट्स है दोस्तों उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट। बट लाइक आई सेड एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन, अगर आपको एक परफॉर्मेंस कॉम्पैक्ट लैपटॉप चाहिए यू शुड डेफिनेटली लुक एट दिस वन। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।